भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के हाथों शर्मनाक हार लगी। हालांकि शुरुआत में रोहित शर्मा, विराट कोहली ने शानदार पारी जरूर खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत दिलाने में असमर्थ रहे। वहीं भारतीय टीम की हार के साथ जब यह मुकाबला खत्म हुआ तो ग्लेन मैक्सवेल भारत की हार का मजाक उड़ाते हुए कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप कभी खून खौल जाएगा। तो चलिए बताते हैं क्या कहा मैक्सवेल ने। लेकिन आप सभी को क्या लगता है भारतीय टीम की हार का कारण क्या रहा, कमेंट सेक्शन में बताएं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मुकाबले में टॉस ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में डेविड वार्नर ने तेज शुरुआत अपनी टीम को दिलाई थी। उनका भरपूर साथ मिचेल मार्श दे रहे थे। डेविड वार्नर ने सिर्फ 34 गेंद में ही 56 रनों की पारी खेल डाली और उसके बाद पहले विकेट के रूप में आउट हुए। लेकिन स्टीव स्मिथ और मार्श के बीच एक भयंकर साझेदारी हो गई। दोनों ने तेज बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को लगभग 25 ओवर में 188 के करीब पहुंचा दिया था। उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी करने की कोशिश की। मार्श को 96 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने आउट किया, लेकिन स्टीव स्मिथ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे जिन्होंने टीम का स्कोर 242 तक पहुंचा दिया और उसके बाद 61 गेंद में 74 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें सिरजी ने अपना शिकार बनाया। उसके बाद एलेक्स कैरी को बुमराह ने 11 रन के स्कोर पर आउट किया और ग्लेन मैक्सवेल को तो बोल्ड मार दिया। सिर्फ 5 के स्कोर पर ही भारतीय टीम ने यहां पर कुछ हद तक वापसी करी। रंगती पर भी लगाम लगी, लेकिन 44 ओवर में लगभग 310 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बना लिए। लेकिन आपको बता दे ऑस्ट्रेलिया टीम 353 बनाने में कामयाब रही। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम अलग बदलाव के साथ मैदान पर आई थी। रोहित शर्मा और वाशिंगटन सुंदर ने पारी की शुरुआत करी और रोहित का कहर ऑस्ट्रेलिया टीम के ऊपर जमकर टूटा। स्टार्क हेजलवुड और कमिंस जैसे गेंदबाज पानी भरते हुए नजर आए। रोहित शर्मा ने सिर्फ 31 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया था जिसमें 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। लेकिन उसके बाद वाशिंगटन सुंदर 18 रन बनाकर आउट हुए और रोहित के साथ विराट ने भी एक साझेदारी बने। यहां तक टीम इंडिया मजबूत स्थिति में थी। रोहित के बाद विराट ने भी शानदार बल्लेबाजी का स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन रोहित शर्मा मैक्सवेल की गेंद पर 57 गेंद में 81 रन बनाकर कैच आउट हो गए और उसके बाद विराट कोहली 56 रन आउट हुए और उसके बाद भारतीय टीम लड़खड़ा गई। इसके बाद चौथे विकेट के रूप में केएल राहुल भी 26 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 8 रन से ज्यादा चाहकर भी नहीं बना सके। कुल मिलाकर भारत ने 233 के स्कोर पर 5 विकेट खो दिए थे और उसके बाद आखिरी उम्मीद अय्यर 48 रन बनाकर मैक्सवेल की गेंद पर बोल्ड हो गए। बस फिर क्या था, भारतीय टीम की जीत की उम्मीद खत्म हो गई। रविंद्र जडेजा ने थोड़ा सा प्रयास जरूर किया, लेकिन जाकर भी टीम को जीत नहीं दिला पाए और भारतीय टीम इस मुकाबले को हार गई। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम से शुरुआती दो मुकाबले भारतीय टीम सिर्फ इसलिए जीत गई थी क्योंकि टीम ने पूरे अहम खिलाड़ियों को खिलाया नहीं था और हल्की टीम को देखकर भारत ने इसका फायदा उठाया और भारत को यह लगने लगा कि सिर्फ वही एकमात्र ऐसी टीम है जो हर किसी टीम को आसानी से हरा सकती, जबकि ऐसा नहीं है। भारत को हमने अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भी हराया था और उसके बाद अब जब हमारे खिलाड़ी एकजुट होकर भारत के सामने आए तो भारत ने हमारे सामने घुटने टेक दिए, इसलिए भारत के घमंड को चकनाचूर कर दिया। भले ही सीरीज भारतीय टीम जीत गई हो, लेकिन इस मुकाबले के बाद हमने अपना बदला पूरा कर लिया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली भी कुछ नहीं कर सके। इस तरह से ग्लेन मैक्सवेल ने भारत का मजाक उड़ाते हुए अपनी बात कही। लेकिन आप सभी इस पर क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएं।